हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। सो आज के वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ वीडियो में, ये पहले जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हो चुके हैं, ये एम्स बीएससी नर्सिंग में पूछे गए क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के। सो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट हो सकते हैं, दैट्स वाई दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एक्ट एज फ्यूल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो फ्यूल की तरह काम करता है, जो इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ऑप्शंस है प्रोटीन, वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज अ फ्यूल इन द ह्यूमन बॉडी। द कैप्सूल्स कवर इज मेड बाई। कैप्सूल्स कवर्स किससे मेड होते हैं, मतलब किसके बने होते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन, एग पील, सेलुलोज और द स्टार्च। सो करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज। हनी का मेजर कंपोनेंट क्या होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और द फ्रक्टोज। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, दैट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है वो हनी का मेजर कंपोनेंट होता है। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी। इनमें से कौन सा ऐसा शुगर है जो इमीडिएट एनर्जी को प्रोवाइड करता है, लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज और द ग्लूकोज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द एथलीट मोर एनर्जी क्विकली। एथलीट्स को सबसे जल्दी एनर्जी किससे मिलती है, फैट से, वाइटामिन से, प्रोटीन से और द कार्बोहाइड्रेट। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मेजर फ्यूल होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। हाउ मैनी अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोटीन। एक प्रोटीन को बनाने के लिए कितने अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, 10, 20, 15 और 25। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 20। अमाइनो एसिड जो कि बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन की, 20 अमाइनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स टिश्यूज़ इन द बॉडी। बॉडी में टिश्यूज़ किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, फैट के और द वाइटामिन के। तो टिश्यूज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। टिश्यू जो होते हैं वो बहुत सारी सेल से मिलके बनते हैं, राइट। और जो सेल होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। सो बेसिकली टिश्यू आर द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज प्रोटीन। व्हाट इज़ एन एंजाइम। बेसिकली जो एंजाइम होता है वो बेसिकली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन और द अमाइनो एसिड। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज प्रोटीन। एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है, इन एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस इज। बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उनके लिए कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, बैक्टीरिया, एंजाइम और डीएनए या फिर प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज एंजाइम। द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन सोयाबीन। सोयाबीन में कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाया जाता है, तो ऑप्शन है 42%, 60%, 50% और द 80%। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, दैट इज 42%। विच डज नॉट कंटेन प्रोटीन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्रोटीन नहीं होता है, मीट, मिल्क, राइस और द पल्सेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, दैट इज राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लार्जेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का, पीस, ग्राम, सोयाबीन। तो करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाया जाता है, दैट इज 42%, जो कि अभी हमने पर क्वेश्चन में देखा था। वेयर इज द फैट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो फैट होता है वो कहाँ स्टोर्ड होता है, ऊजिंग स्किन में, एडिपोज टिश्यूज में, लिवर में और इन एपिथीलियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी, दैट इज एडिपोज टिश्यू। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड गिव्स द मोस्ट एनर्जी पर ग्राम। कौन सा ऐसा फूड है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है पर ग्राम में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और वाइटामिन। सो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। हु हैज़ प्रोपाउंडेड द वर्ल्ड वाइटामिन। किसने सबसे पहले वाइटामिन वर्ड को प्रपोज किया था या उसको उसे डिस्कवर किया था। ऑप्शन है डार्विन, फंक, पाश्चर और द लैंडेक। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ये बी ऑप्शन, फंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डिफेंसिव मटीरियल। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे हम एज अ डिफेंसिव मटीरियल यानी बचने के लिए यूज़ करते हैं।
वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट. तो डिफेंसिव मटेरियल इसमें हमारा है वाइटामिन, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट. कैरेट इज अ रिच सोर्स ऑफ विच वाइटामिन? कैरेट जो होती है वो किस वाइटामिन का रिचेस्ट सोर्स होता है? ए का, डी का, सी का और द ई. तो ये होता है रिचेस्ट सोर्स ऑफ वाइटामिन ए. वाइटामिन ए इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी एट. वाइटामिन ए जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में किस जगह पे स्टोर होता है? लिवर में, स्प्लीन में, एब्डोमेन में और इन द स्टमक. करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज लिवर. द केमिकल नेम ऑफ वाइटामिन ई इज? वाइटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल, पैरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेमिन और द टोकोफिरॉल. तो करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज टोकोफिरॉल. द ब्लड क्लॉट इन द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ विच वाइटामिन? ह्यूमन बॉडी में कौन सा वाइटामिन ब्लड क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वाइटामिन के, वाइटामिन ई, वाइटामिन डी और द वाइटामिन सी. तो करेक्ट आंसर है ए, दैट इज वाइटामिन के. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द टीथ? टीथ में कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और द मिनरल. तो कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द टीथ. ये ऑप्शन जो है ए बी सी डी ये थोड़ा मिसप्रिंट है, बट आंसर जो है उस पर फोकस करना है आपको, दैट कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द टीथ. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज मोस्ट नीडेड टू कंट्रोल हार्ट बीट? हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सोडियम, सल्फर, पोटेशियम और द आयरन. सो पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट बीट कंट्रोल. सीवीड्स आर द मेन सोर्स ऑफ? सीवीड्स किसका मेन सोर्स होते हैं? आयरन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और द आयोडीन. तो ये रिचेस्ट सोर्स होते हैं आयोडीन का. वॉट इज़ द एवरेज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है? 25%, 40%, 30% और द 65%. करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 65%. वॉट इज फाउंड इन स्पिनच लीव्स? स्पिनच लीव्स यानी जो पालक की पत्तियाँ होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन और द फैट. सो उसमें प्रेजेंट होता है हमारा आयरन. विच इज़ रिच इन आयरन? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन प्रेजेंट होता है? एग्स, मिल्क, ऑरेंज और द ग्रीन वेजिटेबल्स. सो द करेक्ट आंसर इज ग्रीन वेजिटेबल्स. अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ? अनीमिया किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, आयरन की कमी से, कैल्शियम और द जिंक. तो ये हमारा होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन. विच बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड बाय टाइफाइड? टाइफाइड में कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है? पैंक्रियाज, स्टमक, ब्रेन और द इंटेस्टाइन. करेक्ट आंसर इज इंटेस्टाइन. द प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंट्री इज? अमीबिक डिसेंट्री एक बीमारी होती है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एंटामीबा, फोटोग्राफिक अमीबा और द ट्रिपेनोजोमा. तो करेक्ट आंसर होगा हमारा एंटामीबा. वॉट कॉजेज कॉलरा? कॉलरा किससे होता है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और एल्गी. तो ये होता है हमारा बैक्टीरिया से. एलाइजा टेस्ट इज डन टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग? एलाइजा टेस्ट जो होता है वो कौन सी डिसीज़ को चेक करने के लिए किया जाता है? गोनोरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़ और द एड्स. तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, दैट इज एड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज टूथ लॉस? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें जिसकी वजह से टूथ लॉस हो सकता है? जिंक, फ्लोरीन, आयरन और द कॉपर. तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फ्लोरीन. विच इमेज डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट किडनी स्टोन? किडनी स्टोन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है? टोमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सीएटी स्कैन. करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सीटी स्कैन. पॉइजनिंग ऑफ विच हैवी मेटल्स कॉजेज लिवर सिरोसिस? कौन से हैवी मेटल की पॉइजनिंग यानी उसकी वजह ज़्यादा होने की वजह से हमें लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है? कॉपर, लेड, मर्क्यूरी और द जिंक. सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कॉपर. कॉपर की पॉइजनिंग होने की वजह से लिवर सिरोसिस हो सकता है. इनएडिक्युएट सप्लाई ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड? बॉडी में अगर इनएडिक्युएट सप्लाई हो जाए ब्लड की, यानी कि जो ब्लड हमारी बॉडी में जिस जिस जगह पे प्रॉपरली पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस प्रोसेस को या इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को? इशीमिया, हीमोस्टैट्स, हाइपरीमिया और द हेमरेज. तो करेक्ट आंसर होगा ये, दैट इज इशीमिया. टाइफाइड इज प्रोड्यूस्ड बाय? टाइफाइड किससे होता है? स्यूडोमोनास, स्टेफिलोकोकस, बैसिलस स्पीशीज और द सलमोनेला टाइफी. तो करेक्ट आंसर इज सलमोनेला टाइफी. BCG इम्यूनाइजेशन यूज्ड फॉर? BCG का जो टीका होता है वो किस बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है? फॉर मीजल्स, डायफीरिया, फॉर टीबी, फॉर लेप्रोसी. करेक्ट आंसर इज
फॉर टीवी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज बाई वाटर, इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जो वाटर से नहीं होती है, टाइफॉइड, अमीबियासिस, फ्लू और द कॉलरा। करेक्ट आंसर इज फ्लू। निमोनिया डिसीज अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, निमोनिया जो डिसीज होती है हमारे ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है, तो ये अफेक्ट करती है लंग्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन फैट, कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो फैट सॉल्युबल नहीं होता है। करेक्ट आंसर इज वाइटामिन बी, क्योंकि बी और सी जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज इन अनीमिया, अनीमिया में क्या कमी हो जाती है। अभी एक ऑप्शन आया था क्वेश्चन जिसमें आयरन की कमी हो जाती है, और आयरन की कमी होना दैट इज हीमोग्लोबिन की कमी होना, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। डिफिशियंसी ऑफ विच वाइटामिन इज द मेन कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वाइटामिन ए। हुज साइंटिफिक नेम इज थियामिन, थियामिन कौन से वाइटामिन का साइंटिफिक नेम होता है, वाइटामिन सी, बी वन, ए और डी। करेक्ट आंसर इज वाइटामिन बी वन। बेस्ट सोर्स ऑफ वाइटामिन सी इज, वाइटामिन सी का बेस्ट सोर्स क्या होता है, एप्पल, मैंगो, आंवला और द मिल्क। तो करेक्ट आंसर होगा आंवला, बिकॉज जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो हमारे वाइटामिन सी के रिचेस्ट सोर्स होते हैं। सी का केमिकल नेम क्या होता है, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और द नाइट्रिक एसिड। करेक्ट आंसर इज एस्कॉर्बिक एसिड। ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच वाइटामिन, गम ब्लीडिंग जो होती है वो किस वाइटामिन की कमी की वजह से होती है, ए, सी, बी और डी। करेक्ट आंसर इज वाइटामिन सी। विच वाइटामिन इज फाउंड इन अबंडेंस इन फिश लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल में सबसे ज़्यादा कौन सा वाइटामिन पाया जाता है, वाइटामिन सी, वाइटामिन ई, वाइटामिन ए और वाइटामिन डी। सो करेक्ट आंसर इज वाइटामिन डी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जिसमें मैंने ऑल अराउंड अबाउट 50 क्वेश्चन आप लोगों से शेयर कर दिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।